हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे सुबह के 5 और हम लोग रेडी है हमारी ट्रिप के लिए। हम लोग जा रहे हैं सापुतारा, यहाँ से जो कुछ 450 किलोमीटर दूर है, 8-9 घंटे का टाइम लगेगा, इसलिए सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो रहे हैं। ये हमारा सामान है जो रेडी है, और 2 दिन की ट्रिप है, आज सैटरडे, संडे और मंडे वापस आ जाएंगे। सुबह 4 बजे उठ के रेडी हो रहे हैं, सो लेट्स होप कि बहुत ही अच्छी ट्रिप रहे एंड अमेजिंग वीडियोज आपके लिए आ रहा है। थोड़ा लेट हो रहा है, लेट्स गो। तो जितना जल्दी हमने निकलने की ट्राई की थी, सोचा था कि सुबह निकल जाएंगे तो कवर कर लेंगे, और वही पोपट हो गया हमारे साथ, फास्टैग चल नहीं रहा, ICICI वाला लकीली बंदा यहाँ पे है तो अभी फास्टैग चेंज करके वो दे रहा है हमें। ऑलरेडी मेरे पास फास्टैग है पर उसमें बैलेंस भी है, पर पता नहीं क्या इशू चल रहा है, मेरा टैग कुछ 3 साल पुराना है इसीलिए चल नहीं रहा। तो अभी फास्टैग नया दे रहा है और ऑलमोस्ट हमारे 15-20 मिनट वहाँ पे वेस्ट हो गए, मतलब तो जितना भी हमारा एडवांटेज था जल्दी आने का वो भी सब लॉस्ट हो गया है। देख सकते हैं नया अवतार चश्मे के साथ। तो ये उस वक्त की बात है जब हम दोनों ने सेम चश्मा लिया था। एक्चुअली मैंने दिलवाया करण को चश्मा। करण थैंक यू मेरे को थैंक यू बोल रहा है, आई एम सो हैप्पी। सो हम दोनों ने एक जैसे चश्मे लिए। मेरे को इतने टाइम से ऐसे स्पेक्स लेने का मन था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इनमें पावर बनती है। मुझे क्यों नहीं पता था ये, पर मुझे क्या मालूम तो कितनी पड़ी है, कितनी पड़ी लिखी है। मुझे लिटरली नहीं पता था, कि पता था कि इसमें पावर के चश्मे बन सकते हैं, और तो मेरे को लगता था सनग्लासेस तो मेरे लिए बने ही नहीं है, मैंने कभी नहीं लिया। आई एम सच अ डम पर्सन। अपनी बेइज्जती खुद कर रही हूं ना, अपनी बेइज्जती। करण का चश्मा देखना चाहेंगे, हम दोनों सिमिलर चश्मे लिए हैं, कपल्स लग रहे हैं हम फाइनली। हम तू यहां कहां दिखा रही, मेरे मुंह पे दिखा ऐसे। हां अरे क्या व्लॉगर बनेगी तू, प्रो। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू। अभी सुबह सुबह मेरे नाक पे बैठ गई थी कैमरा लेके, और अभी वहां दिखा रही है, पता नहीं होता। और हम लोग मुंह पे चाय मार के नाश्ता करके निकल चुके हैं अपने सेक्सी चश्मे पहन के। पता नहीं लग रहा है कि आज सापुतारा पहुंचेंगे या नहीं। साला ट्रैफिक इतना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सूरत और मुंबई वाला ये हाईवे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक रहता ही है। अब हम निकल तो गए, लेट्स सी कि ट्रिप है वो एकदम सक्सेसफुली हो जाए, एकदम मस्त वीडियोज बने आपके लिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर देना वीडियो को, वीडियो मतलब इवन हमने व्लॉग स्टार्ट भी नहीं किया और इसने पहले ही लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगना शुरू कर दिया। करण पहले शुरू तो होने दे व्लॉग को, बचा। गाइस जब हम व्लॉग शुरू करेंगे तब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अभी हमारे थोपड़े देख के वो क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे बचा। शुरू तो हो गया, ये फर्स्ट व्लॉग है हमारा। हम जब सापुतारा पहुंचेंगे तब आपको फर्स्ट व्लॉग दिखाना शुरू करेंगे। मतलब कार में इतना बोर हो चुका है कि कुछ ना कुछ बकना पड़ेगा हमें लग रहा है अभी, बिकॉज कितने घंटे बाकी है अभी, हमारे स्टिल 5 hours लेफ्ट है, तो देखते हैं कब तक खत्म होता है, कितना ब्रेक लेना पड़ेगा हमें बीच में, उस हिसाब से हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो विल कीप अपडेटिंग यू गाइस, सी यू सून। 1 hour later सो फाइनली एक और ब्रेक ले लिया हमने, और अभी कुछ 160 किलोमीटर है दूर अंजलि, तो हाँ 160 किलोमीटर जितना दूर है हम लोग अभी सापुतारा से। और फूड एक्सप्रेस पे यहाँ पे रुके हैं हम लोग, जगह तो काफ़ी अच्छी लग रही है एज यू कैन सी। अभी यहाँ पे तो सिर्फ चाय का ब्रेक लिया क्योंकि नाश्ता कुछ करना नहीं, नाश्ता ऑलरेडी हम करके आए और वहाँ पे लंच करेंगे। सो सामने चलते हैं, चाय पीते हैं थोड़ी देर में और निकलते हैं 10-15 मिनट में। जगह तो सही लग रही है, अच्छा है फूड कोर्ट, अभी तो पूरा खाली, हम सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। बहुत ही अच्छा फूड कोर्ट है, अभी तो चाय मंगवाई है, लेट्स सी अंजलि का शायद कुछ ऑर्डर है, मन कर रहा है ऑर्डर करने का। मैं कुछ सोच रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी टाइप ही लूँ, रास्ते में लेते चलूँगी ना, मेरे को गर्म पीने का मन नहीं कर रहा, पेट खराब हो जाएगा। अच्छा रास्ते में लेके चलेगी तो अमीरों की तरफ। मैं स्टारबक्स लेके जाती हूँ तो वो अमीर जैसा होता है, स्टारबक्स की कॉफ़ी जिसमें मेरा नाम होता है वो महंगी होती है बट वर्थ इट नहीं होती। और कुछ बोला है आपको? नहीं।
बारिश के, बहुत बारिश हो रही है, मजा आ गया। जैसा मौसम हमें चाहिए था, जैसा मौसम हमें चाहिए था, वहाँ सापुतारा में एग्जैक्टली ऐसा ही मौसम है। अगर बारिश आ गई मज़ा आ जाएगा, पैराग्लाइडिंग नहीं होगी चलेगा, बट लुक एट दिस, इतना मस्त, हाँ मज़ा आ रहा है। गूगल मैप ने बोला कि हम आपके 16 मिनट बचा सकते हैं, तो रास्ता पकड़ लीजिए वाला, अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो उसने फिर से हमें कुछ वियर्ड सा रास्ता दिखा दिया है, खेतों से जा रहे हैं हम लोग फिर से। दिखा रास्ता, दिखा कैसा मस्त है, सिंगल लेन वाला, उछलते उछलते जा रहे हैं। हाय हाय, अरे देखिए खेत खलियान है जिसमें, ऐसा है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में सापुतारा, और इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है, ऑलमोस्ट प्लेस नहीं रास्ता, हाँ रास्ता इतना ब्यूटीफुल है कि हम लोग को माउंट आबू की याद आ गई, बिकॉज माउंट आबू भी ऑलमोस्ट ऐसा ही था, बट उसमें क्या था कि साइड में खाई टाइप थी और यहाँ पर रास्ता था, बट यहाँ पर दोनों तरफ जंगल है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड वी आर जस्ट लविंग इट। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी, कैसा लग रहा है? बहुत ही अमेजिंग है, मैं वही बोला माउंट आबू जैसा ही है, बट माउंट आबू में एक तरफ अंजलि टोल्ड की एक तरफ खाई थी, दूसरी तरफ पहाड़ था, और यहाँ पे दोनों तरफ जंगल है, बीच बीच में थोड़ी बहुत नदी या फिर झरने ऐसा कुछ आ रहा है, बट अभी तक तो बहुत मस्त लग रहा है। बस बारिश हो जाए ऑसम वेदर हो जाएगा, और अभी अगर आप प्लान कर रहे हो तो बारिश के मौसम में ही प्लान करना, दिस इज़ रियली अमेजिंग। अभी तो ऊपर जाके आपको ऊपर से दिखाता है कैसा व्यू लगता है। तो फाइनली पहुंच गए हमारे रूम पे, अभी बज रहे हैं 1:15, और रूम तो आपको दिखाता हूँ, बट जस्ट लुक एट दिस, सामने झील है सापुतारा झील, एग्जिट हमारे रूम के सामने ही आपको दिखेगी, क्या वहाँ पे जाएंगे बोटिंग, अभी मैं देख रहा हूँ ऑन है तो डेफिनेटली बोटिंग करेंगे। सो चलिए थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं आपको रूम की कैसी है। वैसे तो सिंपल सा रूम है, हमने बुक नहीं किया था क्योंकि बुकिंग मिल नहीं रही थी, तो ऐसा कुछ रूम है, एंटर होते बेड, टीवी, एसी, चेयर है, टेबल है, दो और चेयर है, और यहाँ पे पूरा मिरर रेडी हो सकते हैं, अलमारी आपका सामान और ये रखने के लिए, और ये छोटा सा बाथरूम विथ मिरर। इतना फैंसी रूम नहीं क्योंकि हम लोग घूमने आए थे, इसलिए इतना फैंसी लिया नहीं, अगर रिजॉर्ट में आते हैं रुकने के लिए 2 दिन के लिए तो आराम से फैंसी लेते। अब थोड़े से थक गए तो नीचे अभी लंच है वो शुरू है, तो लंच करके आते हैं, फिर थोड़ी देर 1-2 घंटे सो जाएंगे क्योंकि बहुत थक गए, सुबह से 5 बजे से ट्रैवलिंग कर रहे हैं इसलिए, तो उसके बाद शाम का कुछ प्लान है वो देखते हैं। हमारा पूरा पैम्पलेट हमें दे दिया है नीचे से कि ये सारे प्लेसेस है जो आप कवर कर सकते हैं, तो देखते हैं। यहाँ से आसपास सनसेट पॉइंट है, होटल के पीछे से निकलता है सनसेट पॉइंट, तो वहीं पे चलेंगे, और सामने पैराग्लाइडिंग नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसके लिए हम आए थे,
और जिप लाइनिंग भी बंद है। अपना दिल को ऐसे पत्थर बना के आई थी कि पैरा ग्लाइडिंग करूंगी मैं। तो अब हम लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि आसपास 40-50 किलोमीटर के आसपास डॉन हिल है, एक वाटरफॉल है गिरा करके, वहाँ पे जाके सो वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे ऐसा सोचा है। सो अभी नीचे चलते, भूख लगी है, फिर आपको मिलता है थोड़ी देर के बाद।